ये ऐसे अगर प्रताड़ित करेंगे हमें तो हम 3 दिन के अंदर हम गांव छोड़ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश का सुराना बनेगा नया कैराना? जी हां, मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुराना गांव का है, जहां मुस्लिम आतंक से प्रताड़ित हिंदू पलायन को मजबूर है। गांव की आबादी लगभग 2200 है, जिसमें 60% मुस्लिम और 40% हिंदू आबादी है। कल सुराना के ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रताड़ना की कहानी बताई। ग्रामीणों के अनुसार आज से 2-3 साल पहले तक सब ठीक ठाक था, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। हिंदू बच्चों के साथ आए दिन विवाद, गाली गलौज, मारपीट आम विवाद हो गए। पुलिस सहायता के नाम पर उन बच्चों पर रासुका लगाने की धमकियां मिलने लगी। ग्रामीणों ने इस विषय में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों के अंदर न्याय मांगा है, अन्यथा वह गांव से पलायन करने को मजबूर होंगे। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या क्या समस्या आ रही है आपको गांव में, क्या हो रहा है? प्रताड़ित कर रहे हैं और आज घर पे आके मां को जान से मारने की धमकी भी देते हैं, और ऐसी घटना कई धर्म के ऊपर भी हुई हमारे वहाँ गांव में, जहाँ मंदिर भी बने हैं वहाँ पे लेडीज बाथरूम बना, उसमें भी आवेदन दिया था। उसी घटनाओं को लेकर कहीं हमने प्रशासन को आवेदन भी दिया था, उस पर उन लोगों को कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और 16 तारीख के जब मैं घर पर बाहर बैठा था तो वहाँ पर एक लड़का है मोबाइल और जान से मारने की धमकी दी, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और हम जब सब गाँव मिलकर आए वो एसपी साहब से मिलने के लिए, तो हमारे गांव के बुजुर्ग पटेल साहब ने बात करी उनसे, बोले साहब ऐसा ऐसा हो रहा है गांव में और आए दिन ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनसे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या आप एक काम करो ऐसे भगो और आपके मकान और सब और आपके रासुका लगा के मकान तोड़वाएंगे और जितने भी गाँव के कार्यकर्ता उन पर हम रासुका लगवाएंगे। तो हमारा यही निवेदन है कि हम जो उत्तर प्रदेश में कोरोना गाँव करके जो अत्याचार हो रहा है और गांव खाली कर रहा है, उसी प्रकार हम 3 दिन में गांव पूरे हिंदू समाज खाली कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो हमारे सभी भाई से निवेदन है कि हमारे साथ जो अत्याचार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, हमारे साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम न्याय मांगने के लिए आए हैं, हमें पूर्ण तरह विश्वास है पत्रकार महोदय और सभी से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम 3 दिन में पूरा गाँव हिंदू समाज पलायन कर रहे हैं, गाँव खाली कर रहे हैं, बस यही निवेदन है।